वडपागी हर संगत पावे, पागहीन परम चोटा खावे। बिन पागा सत्संग ना लबे, बिन संगत मैल परीज जियो। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पाज के वरनाम। सत संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम खानिए। वाहे गुरु वाहे।
वाहे वाहे हसले वाहे गुरु वाहे गुरु। आओ सतगुरु सेवा लै सारे पढ़े पहले प्यार ना जी सब ते उच्च था की सोभानी संत जी का ही हो।
बाबे का परिवार वड्डा है, इसलिए एक मिनट ला रहा हां कि जिथे जगह मिले रस लेना। कई बारी कलयुग मन विच कई तरह के संकल्प बनाउंदा है, यार इत्थे ते बैठण नूं जगह ही नहीं मिलदी, चल चलिए गए। संगत बार बेंत बैठी है, जिथे भी जगह मिले क
कथा ते कीर्तन दे विच जुड़ के मन च भावना बना के कोई सौदा खरीद के जाना है। आपो अपना विश्वास है, भावना बनाओ, विश्वास बनाओ। जिथे भी मैनू जगह मिली है, मेरा कलगिया वाला मैनू वेख रहा है, ओदे शहीद सिंह भी मैनू वेख रहे। उन्हां दियां भी ड्यूटियां होंदियां, आखो सतनाम। इधर नहीं चलते हो, कमरे जगह मिले, बेड़े च मिले, बार बाग च मिले, जोड़िया के कोल भी मिल जाए, पूरी भावना नाल सौदा खरीद के रस लेके जाना है। किसे दा भी बार समा गलबात विच बतीत ना होवे, नहीं ते रहतनामे दे बचन ने हर जस कहते बात चलावे, गोविंद सिंह वह सिख ना पावे। आओ सतगुरु सेवा लैन जिहड़ा प्रकरण चल रहा है, सुखमनी साहब जी की वड़ियाई दा। सब ते ऊच तां की सोभा बनी, सब ते ऊच तां की सोभा बनी, नानक ख्याल आया। किसे थोड़ा क्या भी कुछ ख्याल भी ऐसा बनया सी भई कोई पूछ लवे ते की जवाब दिया। एक अद्धे ने पूछया भी सी ये सुखमनी साहब जी की बाणी के महात्म का वड़ियाइया का क्यों प्रकरण शुरू किया है। पहली गल तो यकीन है कि कीता नहीं, किसी ने कराया है, कराया है। नहीं तो एक प्रकरण साडा जे रहिंदा छे तरह के अवतार विचे रुकया हो, चार का जिक्र होया, दो का रहिंदा, वह भी पूरा करना है। ये बिचों शुरू हो गया, करवाया है। एक दिन सतगुरु नूं बेनती कीती, सतगुरु जे किसे पुछ लिया तो मैं की जवाब दिया, क्यों शुरू कीता है। फिर अगों ये समत मिली, कभी नोट करियो, निरंकार चार तरह नाल दाता देंदा है। निरंकार चार तरह नाल दाता देंदा है। पहली तरह की जिहड़ी गल है वह देंदा कर्मा करके। तुसीं कदी नोट करो, जो साढ़े कर्मा जे ना वह ऐटोमैटिकली समय अनुसार मिलता जा रहा है। कर्मा करके सानू दात मिलती, जो कर्मा च लिखा रूटीन च मिल गया, कर्मा च लिखा
फलाना मकान रूटीन बनी समा बनिया बिल बनिया मिल गया। एक कर्मानुसार दार सानू निरंकार वालों मिलती हकीकत। साढ़े उत्थे चौंक लक्ष्मण सारे शहर च एक एहोजा परिवार है जिन्हां दीआं तीन बेटियां ने ते सवेर दी रोटी पकदी ते रात दी नहीं पकदी। इन्नी गरीबी शहर च परिवार बड़ा पुराना जा ब्लैक एंड वाइट टीवी रखिया भी बिल्कुल बच्चे ने नहीं रोकया जाता कोई है नहीं समर्थ खाली करवा अत दी गरीबी। उन्हां दी बेटी विचकारली बाईक साल दी इक्की साल दी हो गई सुंदरता वाहिगुरू ने दित्ती सी दिल्ली का परिवार बच्ची पसंद आ गई। एक दो दिन च गल हुई तो अगले दिन कहन लगे असी चुन्नी चढ़ा के लै जानी तो जिथे गल चली वह करोड़ा पति परिवार पड़ी कर वो आए जी थोड़े दिनों की बात बच्ची चुन्नी चढ़ाई तो उस वेले फिर लावा हुई आनंद कारज हो डोली तुरी लै सिर्फ चार पांच दिन की सारी कार्रवाई पई। जिस दिन वो बच्ची गई डोली च अगले दिन वो बच्ची अपने पति नाल 11-12 लाख की कार च बैठी है सानू ध्यान एसिया के कमरे ने है जी नौकराणिया भी घर च सब कुछ। हुण तुसीं की कहोगे वह बच्ची जिहदे घर च एक वेले की रोटी सी दूजे वेले की नहीं कारां एसी सब कुछ इहनू कहिंदे ने कर्मां अनुसार चीज समा बणदा ते मिल जांदी है। शहर की बच्ची थोड़े दिनों का ही वक्त मैं बड़ा हैरान सी उठ के देख के मैं कहिंदा अहंकार तेरी कुदरत वह शरीर जिहनूं रात की रोटी की भी चिंता होवे। उस परिवार में मैं देखिया भी कई बारी छोले ते पानी पी के भी गुजारा किया छोले ले आने जड़े पुजे हुए छोले ते कदी लिया के वेख्यो घर साढ़े घर भी डब्बा भरया पिया इसलिए नहीं होंगी फिर आप भी यही खा ली पे वो दो ढाई रुपए से ही लै आओ ना कई बारी पानी के छोले लै लो तो एक वेले का टब्बर का रज हो जाएगा। असी तो शौकिया रखे भाई कई परिवार यहोजी भी हालत है भी इंज भी उन्होंने एक डंग टपाना पैंदा है रब की कुदरत है। एवें नहीं महापुरश कहते कि दुनियावी पक्ष वालों हमेशा अपने तो थले नूं ले तां ही तेरे अंदर सह जाऊगा नहीं तो कलबदा ही रहेगा वह किथे पहुंच गया मैं किथे वह किथे पहुंच गया मैं किथे। दुनियावी पक्ष वालों अपने तो थले नूं वेख धार्मिक पक्ष वालों अपने तो उच्चे नूं वेख जिन्हां नूं नहीं समझ उन्हां दा लेखा उल्टा। धार्मिक पक्ष वालों असीं थले नूं वेखदे आं मैं ते 4 बजे जागदा फलाणी ते 7 बजे तो पहले उठदी नहीं इह तां हमें आ जाएगी जे धार्मिक पक्ष वालों थले नूं वेखे जे 4 बजे उठदा ते 2 बजे वाले नूं वेख उठदे आं उच्चे नूं वेख तां कि तैनूं हमें ना आ जाए। दुनियावी पक्ष वालों जे अपना मकान है जेडे किराए ते रहिंदे उन्हां नूं वे जे किराए ते है ते जिन्हां कोल किराए ते भी कोई कमरा है कला उहदे वल वेख एक कमरा ते उन्हां वल वेख जेडे सड़क दे उत्ते रक्षे ते लत्तां रखियां हुंदियां ते रात बिता रहे हुंदे बंदे ते तेरे वर्गे ही ने उह। दुनियावी पक्ष वालों हमेशा थले नूं वेख्या करो सहज रहेगा धार्मिक पक्ष वालों उच्चे नूं वेख्या करो हमें तो बचे रहेंगे।
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਡੰਗ ਬੀਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਏਸੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੇਖੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਈ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਗਈ ਲੈਣ ਪੁੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਦਰ ਕਰਕੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੋਦੜੀ ਕਹਿ ਕਲਮ ਤੇਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਨਦਰ ਕਰਕੇ। ਤੀਜਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਤੇਰੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਦਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਢੰਗ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂ ਦਾਤ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਬਾਈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲਏ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੇ ਪੂਜ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਸੁਖਮਨੀ।
ਹੋਰ ਲਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਯਾਦ